इसको मुर्गियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो फुल रेडी होकर बैठी है अपना शिकार के लिए। सूजी ने बच्चे दिए थे वो तो मर गए क्योंकि हमने इतना खास। ये हमारा दोस्तों डेरा जिधर हमने आके जानवर वगैरह अपने रखे थे। काफी दोस्त कहते थे कि इसका जो है वो शौक करवाए। हम तला भाई से मिलने आए थे लेकिन वो नहीं है, वो उधर आगे गए हुए हैं। और ये वाला जो मुर्गा था हमारे पास छोटा बच्चा, वो ये बड़ा हो चुका है। ये दोस्तों हमारी एक मुर्गी ब्लैक वाली खड़ी हुई है और वो देखें आ रही है। ये देखें ये सिस्टम है दोस्तों, इतनी ये खतरनाक हो चुकी है। और इसको ये देखें दोस्तों, इसकी आदत का मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो दोस्तों वेलकम बैक है जी आपका यूट्यूब चैनल में। अभी हम दोस्तों इधर डेरे में पहुंचे हैं डोंगे वाले में, और मैंने जैसे बताया था हमारी बंटी हमारी जो बैला डॉग है और जो हमारी सूजी है वो इधर है, हमारी मुर्गियाँ भी इधर हैं। क्योंकि आपको पता है हमारा जो सैलाब वाला मसला बना था उसके बाद हम सारे जानवर परिंदे इधर लेके आ गए थे। फिर हम जानवर जो है वो हमने 7-8 दिन इधर रखे थे, इधर से हम लेके चले गए वापस। तो अभी भी डेरे पर पहुँचे दोस्तों, हम सोच रहे हैं इनको लेके जाने का, तो मे भी आज ले जाएं मे भी सुबह, क्योंकि हमें इधर एक छोटी सा मतलब शादी का इनवाइट है उधर आए हैं कुछ। और दूसरा हम तला भाई से मिलने आए थे लेकिन वो नहीं है, वो उधर आगे गए हुए हैं जीप रैली पे। तो वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन बाद आप आइएगा, फिर मतलब टाइम निकालेंगे। आपको घोड़े वगैरह भी दिखाने थे, शौक करना था उनका, जो बातें थी मतलब वो क्लियर करनी थी लेकिन नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग 2-3 दिन बाद आएगा। तो बाकी आपको जो है अपनी बंटी और बेला डॉग का करवाते हैं, बेला और सूजी का करवाते हैं शौक, और अपनी मुर्गियों का जो इधर बची कुची हैं। हमारे जो सूजी ने बच्चे दिए थे वो तो मर गए क्योंकि हमने इतना ख़ास सरप्राइज आपके लिए रखा हुआ था लेकिन वो तो रहा नहीं। इसकी बदौलत ये काम सारे हुए हैं, इसने अच्छी वाली केयर नहीं किया इस वजह से। मुझे इस पर वैसे ही गुस्सा आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, वो मर गया तब क्या कह सकते हैं, किसी के ज़ोर में तो है नहीं कि बचा सकते हैं। तो बड़ी उसके ऊपर स्ट्रगल की थी लेकिन कोई बात नहीं है। बाकी ये बैठी है हमारी बेला डॉग बिग। काफ़ी दोस्त कहते थे कि इसका जो है वो शौक करवाएं आप। ये देखें ये हमारी जो पिटबुल डॉग है ना दोस्तों बेला, ये हो चुकी है बहुत ज़्यादा खतरनाक। इवें गल है हाँ जी, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा कर रही है, बड़ी कर दी, बच्चियां नु वढ़ दी है जी। अच्छा छोट जावे तो दूसरी कुत्ती नु वढ़ दी है, मुर्गियां खा दी है। यही तो बात है दोस्तों, इसी ने हमारे जो तितर वगैरह सारे खाए थे और इसी ने हमारे कबूतर उधर खाए थे जिधर हमारा मतलब पुराना सेटअप था, और हमने इल्ज़ाम किसी और चीज़ पर लगाए लेकिन सारा मामला इसका था। इधर भी इसने आके यही काम स्टार्ट कर दिया। ये देखें इधर हमने पहले कबूतर रखे हुए थे और वो कबूतर जो है वो इसको हमने दिया था, ये अलग ले गया था। इसमें हमने मुर्गियाँ रखी थी और इसने ये वाली जो जाली आपको नज़र आ रही है ना, ये इसने सारी फाड़ के और इसके अंदर हमारी मुर्गियाँ थी। हमारा चीता मुर्गा वो भी इधर ही इसी ने मारा है, मतलब चीता मुर्गा इसकी मैं कड्डा है बिचू। जाली पाट तो मुड़ बिचू। ये देखिए दोस्तों जाली आपके सामने है, इसने मतलब जाली को काट के अंदर से मुर्गियाँ निकाल के उसको अच्छा भला ख़त्म करके फिर बाद में ये पहुँचा। तो तब तक हाँ सुबह है, सुबह तो हाँ तो जाहिर बात है तब तक तो ये सारा मामला जो है वो फिनिश हो चुका था। तो मुर्गे भी आपको दिखाते हैं, और काफ़ी दोस्त कहते हैं कि इसका शौक करवाएं, इसका शौक ये देख लें दोस्तों आपके सामने बैठी है, अभी हमें देख के थोड़ी शरीफ हुई बैठी है। बेला ये देखें, क्योंकि हाँ इन्हें थोड़ा खोली, हमें देख के थोड़ी सी शरीफ हुई बैठी है। और सूजी भी मेरे ख्याल में इधर चली गई है, ये देखें दरवाज़ा बंद करके दोस्तों इसको छोड़ते हैं खुला। नहीं संगली बिचू काट, संगली कटनी कि नहीं, अच्छा चलो संगली ना काट मोड़, इधर आओ। ये देखें दोस्तों इतनी हेल्दी और मोटी ताज़ी हुई पड़ी है खा खा के, लेकिन इसका जो है हमें फ़ायदा कोई भी नहीं हो रहा है। जिस शौक के लिए लेके आए थे वो हमारा पूरा नहीं हो रहा है, उल्टा इसने नुकसान करने इतने शुरू कर दिए हुए हैं। ये आपके सामने है यार, ये तो बड़ी खतरनाक हो गई। हाँ जी बहुत बड़ा लागी ना, बड़ा लागी। जब लेके आए थे दोस्तों छोटी सी थी, अब देखें मुझे इसे देख के डर लग रहा है, खौफनाक हो चुकी है। जब कान खड़ा करती है तब दोस्तों इसके आपने देखी, अभी ये नोट कर रही है कि बच्चे किधर है, हमारी भी आवाज़ें सुन रही है। ये दोस्तों कह रहा है कि मैं संगली नहीं खोल रहा क्योंकि ये जाएगी भाग और इसने फिर जो है वो नुकसान भी करना है और हाथ भी दोबारा नहीं आना है। सूजी इधर की उसको बुलाते हैं, सूजी सूजी जी ले आवी, सूजी ले आ। ये दोस्तों हमारी एक मुर्गी ब्लैक वाली खड़ी हुई है और वो देखें आ रही है शिकार पर।
ये इसके काम चेक करें, खड़े खड़े इधर कोई नुकसान ना कर दे। ये देखें बेला बेला इधर आओ, इतनी डरती नहीं आती सूजी। दोस्तों इसके डर से नहीं आ रही बेचारी, उसने 200 बच्चे दिए हैं, वो भी बदकिस्मती से नहीं रहे हैं, वो भी मर गए हैं, क्योंकि सूजी ने इधर बच्चे दिए थे और हमने उसको इधर शिफ्ट कर दिया था अंदर। बच्चों की पिक्चर मैं लगा दूंगा, वो आपने देख लेनी है। बेचारे मतलब ये कह रहे हैं कि सुबह जो है मैं रात को ठीक ठाक छोड़ दिया, सुबह वापस आया तो वो बेचारे मरे हुए थे। तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। सूजी को 2-3-4 मंथ से इतना स्ट्रगल कर रहे थे, उसकी हीट वगैरह और एक ओरिजिनल लैब्राडोर से क्रॉस करवाई, तो वो दोस्त भी अब नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि एक हमने उनको देना था। तो बाकी अब उनसे कुछ मिन्नत अल्लाह करेंगे कि दोबारा हमने क्रॉस करवानी है भाई। चलो सूजी इस साइड पे चली गई है बाहर, उसको लग रहा है कि शायद मैं बंदी हुई हूँ, हैं उन्हें लगता है मैं बंदी हुई हूँ। चलो इधर, ये देखें दोस्तों इसके काम। कहती है कि कोई चीज़ मेरे मुंह में आया मैंने छोड़ना नहीं है, इसने ये सीन बनाया। और मुर्गी देखें इधर से डर के वो उधर चली गई और वो बाहर जाने की ट्राइयों में है। ये दोस्तों बस अजीब से मामलात हैं, इनको हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह, फिर कोई इसका शौक वगैरह करेंगे पूरा, नहीं तो फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है इसको मजीद रखने का। निकल के बाहर लाभ तला। ये हमारा दोस्तों डेरा जिधर हमने आके जानवर वगैरह अपने रखे थे, आपको पता ही है दोस्तों को। इधर दोस्तों जी आप देख सकते हैं हमारे पास रह गए हैं दोस्तों 4 मुर्गियां मेरे ख्याल में, बल्कि 3 हैं। एक तो अंदर सेवे के ऊपर बैठी हुई है, कुड़क की हुई है, और ये वाला जो मुर्गा था हमारे पास छोटा बच्चा, वो ये बड़ा हो चुका है ब्लैक वाला। बस ये 3-4 रह गई हैं, बाहर गई उन लाभ तो लाया है। मैं जाना ये दोस्तों मुर्गियाँ जो है दिन टाइम इनको इधर खुला छोड़ता है। मुझे वो कह रहा है कि अंदर मुर्गी जो है हमारी कुड़क होकर सेवे पे बैठी हुई है, वो जाली वगैरह भी फाड़ सकती है, लेकिन वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर रही है उन्हें के सामने, देखते फौरी एक्टिव हो जाती है। देखने से खतरनाक लग रही है दोस्तों। असल में ना आपको पता है कि हमारा माहौल डिस्टर्ब हो गया था और 6-7 मंथ हो गए हैं ये इधर ही है इसी डेरे के अंदर, तो इसकी जो है वो केयर नहीं हो सकी है, इसकी कह सकते हैं कि हमारे साथ आदी नहीं हुई है, कुछ ये वाले मामला थे इस वजह से, और वरना ये हमारी आदी हो जाती है, नुकसान भी ना करती। क्योंकि एक चीज़ जो आप ख़ुद रखें और वो कैसी है जब कोई और इसको आके मतलब इसकी केयर करे, फिर वो कैसी होती है। इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी कोई नहीं हुई है, कोई सिस्टम ही नहीं हुआ है, तो ये इस तरह का थोड़ा सीन है। अभी ये पता नहीं क्या ढूंढ ढूंढ के खाने की कोशिश कर रही है, मुर्गी अंदर बैठी हुई है कूड़ा को होके। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी जो ये वाली मुर्गी है ये कूड़ा को के बैठी हुई है अंडों के ऊपर, और मेरे ख्याल में वो लेके आ गया सूजी को। आ गई सूजी, वो देखें सूजी, देखें दोस्तों सूजी जो है वो इतनी बेचारी डर के बैठी हुई है, और ये देखें इसके काम। सूजी इधर आओ, कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, इधर आओ नेड़ल जामी। ये देखे ओ भाई इतना जोर है, इतना जोर, ये चेक करें, असल में ये फाइट करना चाह रही है। ये देखें ये सिस्टम है दोस्तों, इतनी ये खतरनाक हो चुकी है, और इसका सांस देखे कैसे फूल गया इसका है? अच्छा पै जाती। ये दोस्तों इधर उसको देख के घूर रही है, और वो बेचारी देखें कैसे एक्टिव होके हमारी सूजी बैठी हुई है। हैं सूजी भाज जैसी ना यार, कसम से मुझे बड़ा बुरा लग रहा है सूजी के लिए। पानी पीने दो इसको, देखें दोस्तों अब सूजी जो है उठ जाएगी इधर से, क्योंकि ये बदतमीज़ हो चुकी है, वो देखें। हालांकि हमारी जो सूजी डॉग थी ना दोस्तों, हमारी जो सूजी डॉग है, सारे डॉग्स जो उधर डेरे पे थी वो इससे डरती थी, लेकिन अब बेचारी कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं अब ना लेके जाओ, बस करो बस करो बस करो भाईजान बस कर, क्योंकि हमें चैनल पे पहले स्ट्राइक लगी हुई है,
ये ना हो कि इनकी जो फाइट वाली वीडियो वो लग जाए और चैनल अल्लाह ना करें फिर दोबारा मसला बन जाए, क्योंकि अब जो स्ट्राइक लगनी है उसके बाद 7 दिन के लिए वीडियो भी नहीं डाल सकते हैं। तो सूजी के जो पपीज़ हैं वो उनकी मैं वीडियो या पिक्चर लगा रहा हूँ इधर, वो आपने देख लेनी है, क्योंकि वो बड़े मतलब क्यूट थे, बड़े मज़े के थे, लेकिन वो हमारे पास नहीं है अब। एक दो वीडियो हैं और एक दो पिक्चर्स हैं वो मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि इधर हम आए थे जब रात टाइम आए थे, तो रात टाइम ब्लॉग जो है वो नहीं बन सकता, आपको पता ही है इस वजह से। तो अब सूजी का जो है कोई और सिस्टम करना पड़ेगा, इसको हम शायद लेके जाएं। हेलो सूजी, देखें दोस्तों ये हमें कभी नहीं बोलती है, कभी भी नहीं बोलती। वो और उसके काम देखें, फुल एक्टिव गुस्से वाली। ये देखें सूजी बेचारी जो है ना, उसको लग रहा है तो मुझे छोड़ दिए दोबारा। सूजी जो है वो खेलना चाह रही है। ये देखें दोस्तों इसकी आदत का मुझे पता है। ये देखें ये मस्ती में आ गई अब, और ये कह रही है कि मेरे साथ खेलो। कदे खेडना तू इधर ना? नहीं खेडा ना, ये आदत है। एक गेंद लैते वो इन्हें खिडाया कर, और ये भजा कर ना खेडे तो गल है। ये देखें दोस्तों ये हम अपने डेरे पे इसके साथ मतलब वॉक वगैरह किया करते थे, और अभी ये दोबारा इसकी यादें जो है वो ताज़ा हो गई। हाँ इसको बांध दो, ये मुझे ना ख़तरनाक लग रही है, इससे मुझे डर भी लग रहा है। सूजी दोस्तों खेलना चाह रही है, और थोड़ा सा सूजी को टाइम देते हैं, बाकी इनका शौक हो गया होगा, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद तला भाई से रब्ता होगा, वो आएंगे इधर तो फिर, क्योंकि वो अभी डोंगा बोंगा में नहीं है, हम तो इधर आ गए, वो आगे गए हुए रैली पे, क्योंकि जेप रैली हो रही है, तो 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह उनके साथ व्लॉग जो है मेरा वो आएगा। वो नीचे चली गई, इसके खड़े होने का स्टाइल चेक करें, एक तो इसको प्यास भी बड़ी जल्दी लगती है, और ये सूजी बड़े सुकून से बैठी हुई है, चेक करें। बाकी दोस्तों आपको पता है कि हमारे हमने एक इधर मोर रखा था, और फीमेल मोरनी थी जो हमने बाद में परचेज़ की, वो दोनों जो है वो मर गए, उनको भी कोई मसला बन गया था। इंशाल्लाह अपने नए डेरे पे नए सेटअप पे सारा माहौल दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह, और इनको जो है हम लाजमी उधर लेके जाएंगे बहुत जल्दी, तो शायद हम जब नेक्स्ट टाइम तला भाई से मिल जाएंगे इधर, फिर इनको वापसी भी जाते हुए लेके जाएंगे। तो फिलहाल आज का व्लॉग करते हैं जिधर ही, उम्मीद आपको हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना जी। अल्लाह हाफिज़। बहुत हैवी चीज़ बन गई है, ये देखिए इसको मुर्गियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो फुल रेडी होकर बैठी है अपना शिकार के लिए, लेकिन ये अंदर ही रहती है, इधर से डेरा बंद रहता है, और ये बेचारे सामने नज़र आ रहे हैं इसको, इनको ये खाने की कोशिश कर रही है, इसलिए दोस्तों इसको बाहर नहीं लेके आते हैं।